Hello friends, today we will discuss about the skeleton system. I'm dealing with the topic skeleton system. How many bones are included in the skeleton system? The basic function of the skeleton system is to provide protection. This is the most important function that is provides in fact protection to the human body. It is provides continuity to the body, structural framework to our body, support to the body. Basically, skeletal system, the system which is made up of bones are called skeletal system. Because skeletal means bones and the system which included the bones is called skeleton system. So, in this session, we will discuss about the bones. Here, I prepare a chart to make the calculation of bones easy in adult human body. Basically, there are 206 bones in the human body. So, I make this calculation very simple and easy through this chart. Firstly, I divided the skeleton system into two parts, axial skeleton system and appendicular skeleton system. In appendicular skeletal system, there are 126 bones and in axial skeletal system, there are 80 bones. Here, axial skeletal system means the bone included the axis of our body. So, what are the axis of our body? The skull, there are 29 bones, vertebra column, there are 26 bones. In sternum, included only one bone. Ribs, there are 12 pairs of bone, means 24 bones. Here, I further classify the skull bones, there which is 29. So, cranial bones, which contains our cranium. So, there are 8 bones. RS, occipitals, 1, temporal, 2, parietal, 2, स्पेनॉइड 1, इथमॉइड 1 एंड फ्रंटल 1. इसको हम मेमोनिक्स के नाम से भी याद कर सकते हैं. जैसे हमारा ओटीपी है, तो ओटीपी क्या होता है? हमारे लिए सेफ होता है, वन टाइम पासवर्ड. तो ओटीपी सेफ, सेफ की स्पेलिंग हमने एस ई एफ लिखी है, इससे हम इसको याद कर सकते हैं. 122 और 111 से इसकी कैलकुलेशन याद कर सकते हैं. फर्दर आई डिवाइडेड द स्कल इंटू फेशियल. फेशियल में 14 बोन्स होती हैं. आर एस, मैक्सिला, पैलेटाइन, नेजल, जायगोमेटिक, इन्फीरियर कॉनके, लैक्राइमल बोन, मैंडिबल एंड बॉमर. So, these are 14 bones. Here, ear ossicles, 6 bones hain, malleus, incus and stapes. 3 means 6 bones hoti hain, ear ossicle and hyoid bones. Here, now, vertebra column ki agar hum baat kare to there are 26 bones. Vaise isme 33 bones hoti hain, but after fusion of sacrum and coccyx, there are 26 bones. So, 26 bones kya hai? Cervical, thoracic, lumbar, sacral and coccyxial bone. Cervical 7, thoracic 12, lumbar 5, और सेक्रल एंड कोकिक्स एक एक होती है. नाउ स्टर्नम की बात करें, स्टर्नम एक ऐसी बोन है जो हमारे दोनों रिब्स को अटैच करती है, जो एक ही होती है हमारी बॉडी में. अगर हम रिब्स की बात करें तो 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, तो 24 बोन्स हो गई. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिब्स इन आवर ह्यूमन बॉडी, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स. ट्रू रिब्स की बात करें, ट्रू रिब्स वो जो वर्टिब्रा कॉलम से भी अटैच होती हैं और स्टर्नम से भी अटैच होती हैं. दे आर 7 पेयर ऑफ ट्रू रिब्स. अगर फॉल्स रिब्स की बात करें तो वो वर्टिब्रा कॉलम से अटैच होती है, लेकिन स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं. तो 8th, 9th एंड 10th ये होती है हमारी फॉल्सिंग एंड फ्लोटिंग रिब्स, जो फ्लोट करती हैं, जो अटैच नहीं होती हैं. 11th पेयर एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स आर फ्लोटिंग रिब्स. नाउ अगर हम बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम इंक्लूड 126 बोन्स. सो हियर आई क्लासिफाई दिस अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम इनटू लिम एंड गर्डल. अगर हम लिम्स की बात करें तो हमारे हाथ पैरों की बात करेंगे हम. लिम्स मतलब हैंड एंड लेग्स. अगर हैंड की बात करते हैं तो हमारे 30 ईच. आई एम टेलिंग अबाउट द ईच हैंड, मीन्स 60 बोन्स हो जाएंगी ये. सो हैंड की बात करें तो हम ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस. कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस हमारी उंगलियों की बोन्स होती हैं, वो 14 होती हैं. तो इनको मिला के ये 30 हो गया. एंड अगर हम दोनों हाथ की बात करें तो 60 हो गया ये. अगर हम लेग्स की बात करें तो लेग में होगा फीमर, जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी. टिविया 1, फिब्यूला 1. हमारे हैंड्स में था कार्पल्स, लेकिन हमारे लेग्स में होगा टार्सल, जो सिर्फ 7 होती हैं, लेकिन इसमें तो 8 है. हियर आई कैलकुलेट 30, तो मींस एक बोन एक्स्ट्रा होती है इसमें. मेटाटार्सल है, 5 होते हैं. फैलेंजेस 14 होते हैं. जो एक्स्ट्रा बोन की बात मैं कर रही थी वो था पटेला, जिसको हम नी कैप बोलते हैं या फिर बॉल सॉकेट बोलते हैं. वो होती है हमारी एक, दोनों में एक एक होती है, 2 पटेला हो गए हमारे. अगर हम गर्डल्स की बात करें तो आई क्लासिफाई द गर्डल्स इनटू 2 टाइप्स, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल. पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो इसमें 2 बोन्स होती हैं, स्कैपुला एंड क्लैविकल. अगर हम पेल्विक गर्डल की बात करते हैं तो कॉक्सल्स बोन्स होती हैं इसमें. कॉक्सल्स बोन्स में कॉक्सन बोन्स किससे मिलकर बनी होती हैं? 3 बोन्स के फ्यूजन से, इलियम, इशियम एंड प्यूविस. सो दिस इज अ कैलकुलेशन दैट वी कैलकुलेट आफ्टर ईच एंड एवरी बोन्स, इट विल बिकम
206 बोन। तो ये है हमारा द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन एडल्ट। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन आइकन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।